नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है प्रणब मुखर्जी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं हिंदुस्तान के, उनका निधन हो गया है। 10 अगस्त को जो है प्रणब मुखर्जी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जिसके बाद उनकी ब्रेन की सर्जरी भी हुई थी, लेकिन सर्जरी के बाद जो है वो रिकवर नहीं कर पाए। और आज जो है उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि प्रणब मुखर्जी नहीं रहे हमारे बीच में। प्रणब मुखर्जी अपने आप में एक लीजेंड, हम कहें पॉलिटिकल सियासी अगर हम कहेंगे पायदान में, उनके नाम पे बहुत सारी ऐसे जो उन्होंने जो है माइलस्टोन अचीव किए हैं जो शायद ही किसी राष्ट्रपति ने किए हो, और ये बहुत बड़ा जो है एक धक्का लगा है सियासत को भी और देश को भी, क्योंकि प्रणब मुखर्जी को ना केवल कांग्रेस के बल्कि सभी पार्टीज के जितने भी नेता हैं वो सब चाहते थे, उनके साथ एक लगाव था, और जो है आज एक सदमा पहुंचा है समूचे देश को। हम इस पे बात करेंगे, हमारे साथ सोहेल काजमी साहब मौजूद हैं जो जाने माने पत्रकार भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सोहेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है वक्त इंडिया में। नमस्कार सर। सर, कितना बड़ा जो है एक नुकसान हुआ है आज देश को, हिंदुस्तान की 70 ईयर्स की आजादी के बाद हमने एक स्टालवर्ट जिनका नाम प्रणब मुखर्जी था और प्यार से पूरा भारत उनको प्रणब दास के नाम से जानता था, जो 1982 में इंदिरा जी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उसके बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में डिफरेंट पोजीशंस पे रहे, और जो उनका प्रोफाइल था वो वेस्ट बंगाल से बड़ी छोटी उम्र से स्टार्ट हुआ था। तकरीबन 20 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में अपना योगदान शुरू कर दिया था देना, और 84 ईयर की एज में जो आज उनकी डेथ हुई है, आज तक उनका योगदान, भारत रत्न प्रणब दा आज इस दुनिया में नहीं रहे। मैं समझता हूँ वेस्ट बंगाल को नहीं, पूरे भारत की जो सियासत का जो स्ट्रॉन्ग पिलर था आज इस दुनिया से चला गया। मैं समझता हूँ ही वाज अ रोल मॉडल फॉर ऑल कांग्रेस पीपल, स्पेशली कांग्रेस मैन, बिकॉज ही वाज द फाउंडर एंड ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ कांग्रेस। एक टाइम ऐसा था कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी घोषित हो चुके थे, लेकिन कुछ वजूहत से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, और कुछ ही देर पहले उनको भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न उसी इंसान को दिया जाता है जो भारत की सब सेक्टर्स को इतना अच्छी तरह रिप्रेजेंट करके, इतना योगदान देके अपनी जिंदगी में एक ऐसा नाम बना देता है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी हो, और ये भारत रत्न कांग्रेस ने उनको नहीं दिया, भाजपा की सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। और मैं समझता हूँ आज एक ऐसा इंसान हमारे बीच में से चला गया है जो एडमायरेबल था सारी पॉलिटिकल जमातों को, सारी अपोजिशन जमातों को, और पूरे हिंदुस्तान की सारी रीजनल पार्टीज को, जिनको प्रणब दा के नाम से जाना जाता था। तो मेरी तरफ से उनकी परिवार को बड़ी खराज अकीदत है, मेरी कंडोलेंसेस पूरी फैमिली के साथ है और उनके सब दोस्तों के साथ है जिन्होंने उनके साथ काम किया और सीखने का मौका मिला। बिल्कुल सोहेल साहब, आपने बिल्कुल वाजे ठीक कहा कि ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि भाजपा के नेता कई हैं वो ये कहते थे कि अगर कांग्रेस पार्टी को, जब कांग्रेस पार्टी पीक पे थी, उसको उठाने वाले प्रणब मुखर्जी थे, और जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर आते हैं तब कांग्रेस का हाल आज दुनिया के सामने है। और केवल एक पार्टी नहीं, वो तमाम जो पार्टियां, आपने सही कहा कि भाजपा का जब रूल था उन्होंने, भाजपा ने उनको जो है भारत रत्न दिया, तो ये क्या क्या वजह थी कि वो सभी के दिल के प्यारे थे, सब उनको चाहते थे, उसके पीछे खास वजहों क्या थे? एक तो वो इंटेलेक्चुअल इंसान थे, कोई उनमें स्वार्थ नहीं था, पूरी उनकी जो लाइफ के स्केच में, पूरी जिंदगी के पॉलिटिकल कैरियर में कोई उनमें वो कोई लालच नहीं था, और एक दिल से उन्होंने सियासत को एक प्रोफेशन बना के जिंदगी में इसकी शुरुआत की थी, और बड़ी टेंडर एज थे, और एक छोटे से गांव वेस्ट बंगाल से, उनके वहां अपने मंदिर है जहां वो पूजा जाके करते थे पूरे परिवार के साथ, एक सादगी और एक स्टेटमेंटशिप प्रणब दा में थी जो पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है, और जितनी देर वो सदर रहे, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने इंडिया की शान आन पूरी दुनिया में जहां जहां भी उन्होंने विजिट किए उन सब कंट्रीज में पढ़ाई, और वो यही मुमकिन था कि वो एक लवेबल, लाइकेबल, एडमायरेबल इंसान थे जिनकी कमी जो है कभी पूरी नहीं हो सकती।
ठीक है सुहेल साहब, अभी जो वैक्यूम एक क्रिएट हुआ है उनके जाने के बाद, जाहिर सी बात है देश जो है सदमे में है, और क्योंकि उन्होंने अपने टेन्योर में जो है देश के लिए काफ़ी तमाम जो ऐसे काम किए थे, ऐसी पॉलिसीज जो है उन्होंने लाई थी, और हमेशा जो उनकी हमेशा ये यही रहती थी कि देश में विकास जो है वो सबसे अहम मुद्दा है, हमेशा जब हम हमेशा वो कहते थे कि विकास जो पार्टी लाएगी वही पार्टी जो है पीक पे पहुंच सकती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन जो है वो हमेशा ये कहते थे कि वो सच के साथ हैं, और सच चाहे कहीं भी हो लेकिन सच को वो हारने नहीं देंगे, ये तमाम खूबियां उनमें थी, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए, एक इंसान जो अपनी पार्टी से उठ के, पार्टी लाइन से उठ के देश के हित में काम करता है, देश की जो मान्यता है, देश का जो देश का जो संगठन है पूरी भारत का, उसके लिए काम करता है पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के, और ऐसा कद उन्होंने बनाया अपना कि उसी की वजह थी कि सारी जमातें जितनी भी हैं हिंदुस्तान में, छोटी या बड़ी, रीजनल या नेशनल लेवल की पार्टी, उनसे सलाह मशवरा किया करती थी। आरबीआई क्योंकि वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी थे और बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, वो आर्थिक स्थिति पे, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स पे उनका जो योगदान है वो इतना जबरदस्त है कि वो प्रेडिक्ट करते थे कि आने वाला दौर इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक के हिसाब से इंडिया कहाँ स्टैंड करेगा और उसको कहाँ इंप्रूव करना है। तो मैं समझता हूँ सदियों में ऐसा है, ये कुदरती ऐसे इंसान पैदा होते हैं सदियों में, और करोड़ों में ऐसा इंसान पैदा होता है जो एक बॉर्न इंटेलेक्चुअल जिसको हम बोलते हैं, वो बॉर्न इंटेलेक्चुअल थे, और उसके बाद वक्त के साथ साथ वो एक मजते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके साथ जिन्होंने भी काम किया है वो उनपे बहुत से आने वाले दिनों में किताबें लिखेंगी, और जितनी किताबें मैंने उनकी लाइफ के स्केच की पढ़ी है वो एक रिमार्केबल किताबें हैं, सबको पढ़नी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आप जुड़े वक्त इंडिया के साथ और अपने जो है व्यूज आपने सामने रखे, तो समूचा देश जो है वो आज सदमे में है, जिस तरह से पूर्व जो राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी उनका निधन हो गया है, इससे एक झटका लगा है देश में, ना बल्कि सियासी पार्टियों को बल्कि हर एक शख्स को, हर एक जो नौजवान है, जो इस देश का शख्स है, जो भारत का रहने वाला है, बल्कि विदेशों में जो रहते हैं भारतीय, सबको आज शौक होगा और एक दुख की घड़ी है उनके लिए, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनको प्यार से प्रणब दा कहा जाता था वो आज हमारे बीच में नहीं है, और पूरा देश जो है उनको, उनकी जो उपलब्धियां थी या उनका योगदान था उसको याद रखेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।